दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिखाई देने जैसे पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक आप अपने लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे। दोस्तों आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाए इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको प्रोफेशनल थंबनेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं कि आपका वीडियो चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आप एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बनाते हैं तो आपके वीडियो में व्यू नहीं आएगा। आपको बता दूं कि जब आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हैं या फिर आप एक यूट्यूब वीडियो देखने जाते हैं किसी यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे सबसे पहले आप यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए कि आप यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियो देखने गए हैं और वहाँ पे कोई अट्रैक्टिव थंबनेल का वीडियो दिख जाता है तो आप अल्टीमेटली उस थंबनेल की वजह से वीडियो पे क्लिक करते हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या। अगर आपने वीडियो अच्छा बना रखा है और थंबनेल बढ़िया नहीं है तो लोग उस थंबनेल को देख के रिएक्ट ही नहीं करेंगे और उस वीडियो को देखने नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपके जो व्यू होता है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके व्यू पे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है आपके चैनल के ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर भी पड़ता है और आपका वीडियो जो होता है वायरल भी बहुत तेजी से होता है। तो आप अगर अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो आपको जितना अपनी वीडियो पे मेहनत करना है उससे कहीं ज्यादा जो है आपको अपने थंबनेल पे भी मेहनत करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखा देता हूँ। मैं इस थंबनेल को रैपिडली बनाया, यानी कि जल्दबाजी में बनाया, इतना बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी से जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा थंबनेल उससे भी बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं। दोस्तों तो फाइनली आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे जहाँ पे हम एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक ऐप का यूज करेंगे, पिक्सल ऐप का। तो सिंपल सा इस ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से खुलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले कर लेंगे डिलीट। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड में कलर आ रहा है ब्लू शेडो करके। तो आप अगर इसे रखना चाहते हैं तो आप रखिए, और नहीं तो अगर आप इसे चाहें तो दूसरा बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे यहाँ कॉर्नर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करके डबल बना हुआ है, तो हम सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है फर्स्ट में ही। तो इसको क्लिक करने के बाद हम कोई भी डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं जो कि नीचे स्क्रॉल करके हमें मिल जाएगा। तो इनमें से हम कोई कलर को चूज कर लेंगे जिस पे कि हम अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं ले लेता हूँ एक कलर जो कि ब्लैक और वाइट शेडो का है। तो इसको हमने फाइनली ओके कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका साइज जो है ये स्क्वायर में है। आपको बता दें कि यूट्यूब थंबनेल का साइज जो होता है रेक्टेंगल टाइप का होता है, यानी कि हमें अब थंबनेल का फाइनली साइज सेलेक्ट करना है। इसके लिए क्या करना है कि ऊपर आप कॉर्नर में 3 डॉट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलता है जो कि चौथे पाँचवें नंबर पे लिखा होता है इमेज साइज। तो हम इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है और एक एरो बना होता है यहाँ पे, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पाँचवें नंबर पर यूट्यूब थंबनेल का, तो इसको क्लिक कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे अब जो साइज आ गया है 1280x720, तो ये होता है थंबनेल का साइज। तो फाइनली हम इसे कर देंगे ओके। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखने हैं और कुछ इमेज लगाने हैं जिससे कि हमारा थंबनेल गुड लुकिंग हो। तो सबसे पहले तो हम एक इमेज जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए और आपके गैलरी में जो भी तस्वीर है उसको आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर दीजिए जो आप इस थंबनेल में डालना चाहते हैं। बढ़िया होगा कि आपका जो पिक्चर होगा उसका बैकग्राउंड हटा हो, जैसे कि मैं इस तस्वीर का यूज कर रहा हूँ जिसका कि बैकग्राउंड जो है हटा हुआ है। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड हटाना नहीं आता है तो इसके रिलेटेड मैं अगली वीडियो ला दूँगा जिसमें से कि आपको बताऊँगा कि आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड हटा हुआ इमेज था जिसको कि मैं फाइनली यहाँ पर कर देता हूँ एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए। अब फाइनली हमें लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। वापस न्यू टेक्स्ट के पास इसको हम एडिट कर लेंगे और पेंसिल का निशान इस पे क्लिक करके
और यहाँ पे हम इसको आप एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे वीडियो होता है या फिर लिखते ऐसे होता है और नीचे एंटर मार लेते हैं वीडियो वीडियो का जो स्पेलिंग है इंग्लिश ही रहने देते हैं वीडियो वायरल और इसको हम फाइनली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। आपको बता दूँ कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वर्बली थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार इससे बढ़िया बना सकते हैं। तो सिंपल सा जो है आप देख पा रहे होंगे इसका साइज़ छोटा आ रहा है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करेंगे। तो नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा आपका ए लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन स्क्रॉल करने के बाद हमें आ जाएगा साइज का, जो टी टी बना हुआ देख पा रहे हैं छोटा टी एक बड़ा टी, तो इसको पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसको कर देना है ओके। और अब ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, इसकी जो हम कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसका कलर चेंज करने के लिए वापस हमें स्क्रॉल करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, ये देखिए कलर का ऑप्शन मिल गया। तो इस पर क्लिक करके हम इसका डिफरेंट कलर ले लेंगे, जो आपको लुकिंग अच्छा लगे वो आप कलर ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिंपल कलर मिल जाएगा, अगर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो ये मिक्सअप वाला कलर मिलेगा जिसमें कि दो कलर जो होते हैं मिक्स होते हैं। और भी प्लस पे निशान पे आके और भी कलर आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा कलर लूँगा येलो और इसको कर दूँगा ओके। अब इसको क्या करना है, इसके पीछे जो है हम एक बैकग्राउंड लगाएंगे जो कि अलग कलर का हो। तो बैकग्राउंड को हम इनेबल कर देते हैं, और इनेबल करने के बाद यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं जो कलर लेने वाला हूँ वो ले रहा हूँ ब्लू। तो इसको फाइनली मैंने कर दिया ओके। अब इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसका जो हम फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इसके फॉन्ट को हम फाइनली चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर ऑप्शन, जैसे जैसे हम नीचे फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे ये भी चेंज होगा। तो सब हम जो फॉन्ट का यूज करते हैं वो अमरनाथ बोल्ड है, तो आप इसमें से किसी भी फॉन्ट को ऐसे करके चेक कर सकते हैं, जो बढ़िया लगे उसे आप यूज कर लीजिए। लेकिन मैं जो है अमरनाथ बोल्ड यूज करता हूँ, तो इसको ओके कर दिया है। अब देखिए अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और क्रिएटिविटी दिखाएंगे और इसका जो है हम इसके पीछे शैडो लगाएंगे। शैडो लगाने के बाद इसको शैडो हम इनेबल कर देंगे, तो अब देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा है। अब इसको हम ओके कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा 3D रोटेट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा लुकिंग बढ़िया लगे। फाइनली ये अब इसको थोड़ा सा साइज को हम थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं। अब इसको फाइनल कर देता हूं मैं ओके। और आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक थंबनेल जो है तैयार हो चुका है। तो अब सिंपल सा इसको क्या करना है, ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो इस पर क्लिक करके हम इसको सेव एज इमेज कर देंगे और ये हमारा जो है सेव टू गैलरी में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोफेशनल थंबनेल जो है क्रिएट हो चुका है और वो हमने इम्पोर्ट कर लिया है। तो इसको अब हम YouTube चैनल पे लगा सकते हैं। तो आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार से इससे भी बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।